बाद भी पैक कर रहे हैं। आप पैक कर लेंगे बाद। फ्रेंड्स इधर बन गई पूरी 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 बन गई है और इधर बन गई है सब्जी, बस कुरान खानी शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं खाने में बिरयानी, तो हमने कहा आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर कर दे कि हम बिरयानी कैसे बनाते हैं। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। देखिए हमने मंगा लिया 750 ग्राम चिकन है ये। हमारी यखनी, गैस बंद कर देते हैं और चावल भी भीग गए फ्रेंड्स ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का सभी दुनिया वाले मिल्ला। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है किचन से और सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 11:15 और हमने बस जल्दी जल्दी घर का काम करा, बस नहाया फ्रेश हुए और आज हम करवा रहे हैं घर में कुरान खानी, तो उसी का इंतजाम कर रहे हैं। तो खाने में थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम कर रहे हैं। खाने में हम बना रहे हैं पूरी और सब्जी। पूरी देखिए बेल रहे हैं हम और अगर हमने सब्जी बघार दिए, कढ़ाई रख दी पूरी, बस जल्दी से पूरी बेलते हैं और तल लेते हैं क्योंकि बच्चे आने वाले हैं और हमने कहा थोड़ा बहुत दिन का खाना भी हो जाए, जब तक वो पढ़ेंगे तब तक मेरा खाना तैयार हो जाएगा। तो हमने ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया और आपको बताते भी रहेंगे, तो मेरे ब्लॉग में बने रहे, जल्दी से हम पूरी बना लेते हैं फिर मिलते हैं हम लोग। लड्डू आ गए हैं और हस्बैंड जी नज़र के लिए निकाल लें प्लेट में, फिर ये पैकेटें पैक करेंगे। ये देखिए ये लिफाफे मंगा लिए हमने और ये जो पढ़ने आए हैं उनके लिए हम ये इसमें पैक करेंगे। तो इधर कुरान खानी सब लोग पढ़ने लगे हैं। बाद भी पैक कर रहे हैं। आप पैक कर लेंगे बाद। इधर पूरी है इतनी सारी और इधर थोड़ी रह गई बस तलने वाली है। इधर बन गई पूरी 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 बन गई है और इधर बन गई है सब्जी, बस कुरान खानी शुरू हो गई है। तो जब वो लोग पढ़ लेंगे उसके बाद फिर खाना देंगे। अब बहुत पसीने पसीने हो गए, बहुत गर्मी हो रही है, तो बस जा रहे हैं वो लोग पढ़ लें, थोड़ा सा हम भी बैठते हैं अंदर। अंदर क्या हो रहा है हाँ? बताओ क्या क्या हो रहा है अंदर? अल्लाह अल्लाह नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पारा हाँ? सलाम हो रहा है? सलाम थोड़ी नबी होएगा सलाम। कुरान पाक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कुरान पाक कानपुर कुरान पाक पढ़ रहे हैं। हाँ आपने नहीं पढ़ा हैं? अजानू का भाई भी आया ना हैं? लड्डू खाने आया, क्या खाने आया? ये बात तो भाई आया है। Yeah.
खानी हो गई है और बहुत अच्छी दुआ मांगी उन लोगों ने, बहुत अच्छा लगा दुआ सुन के। और अब जा रहे हैं खाना खिलाने, दोपहर के बज गए हैं 2:30 और बस खाना खिला देते हैं उन लोगों से। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, बादल आ गए हैं, जैसे लग रहा पानी गिरेगा, तो खाना खिला देते हैं उन लोगों से। थोड़ी लिए A few moments later. तो फ्रेंड्स, सबको खाना पीना खिलाने के बाद और सबको रुखसत करा बहुत अच्छे से, और बस हमारे बहुत तेज़ दर्द होने लगा पीठ में फिर से, तो हम खड़े थे, मेरे खड़े खड़े दर्द होने लगा सब कुछ करा करने के बाद, इतनी तेज़ दर्द हो रहा था। बस अभी अभी हम आके लेटे हैं और तो थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद हम आप लोगों से मिलेंगे। फ्रेंड्स, मंगवाया है दरवाजे के लिए डोर बॉटम, देखिए पहले वाला था जो फट गया, हटाओ भैया ज़रा, ये देखिए ये फट गया है, तो ये दूसरा मंगवाया है, आज ही तो देखे गया ये। तो भैया कह रहे हम फाड़े दे, हम कह रहे रख दो, कह रहे बाद में, अभी अभी हम लगाए दे रहे हैं। कीड़े भी तो आ रहे हैं, बारिश का मौसम है फ्रेंड्स, तो कीड़े बहुत आ रहे हैं। क्या फट गया, फट जाने दो, उससे क्या मतलब है, अब तो आ ही गया। दो है ना, दो मंगाए थे। ठीक है भाई, तो है सेम, तो है सही, हमें लगा था इसको ये फैला के इसको ऐसे रखा है, क्यों तो ये लास्ट बेकार हो गया, ऐसे आ जाता ना। अच्छा, दो थे तो रख दो, लगाने जा रहे हो, लगा दो हाँ उसमें लगा दो, पूरा फट गया है ये। बड़ा को काटना पड़ेगा, हो है ना, ठीक है, काटना पड़ेगा, पापा से कटवा लेना, रहने दो, ऐसे बंद कर दो, पापा देख के कर देंगे, आपके नहीं समझ में आएगा, हो गया। Two hours later. तो फ्रेंड्स, खाना पीना खाने के बाद हम सो गए थे, 1.5 घंटा करीब सोए हैं और अभी उठे हैं, बस चाय चढ़ाइए, ये देखिए चाय बन रही है और देखते हैं खाने में आज क्या बनाएंगे। तो सोच रहे हैं कि बिरयानी बना लें, तो जो बनाएंगे वो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो अभी जा रहे हैं चाय पीने, चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, आज हम खाने में बिरयानी, तो हमने कहा आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर कर दें कि हम बिरयानी कैसे बनाते हैं, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। देखिए हमने मंगा लिया 750 ग्राम चिकन है ये, और इधर हमने रख दिया बॉयल करने के लिए पानी। तो पानी में हम पहले डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच पेस्ट डालेंगे इसमें हम, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा फूड कलर और नमक डालेंगे हम, ये 1 चम्मच भर के हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, जब तक पानी में खौल आएगा और हमारा चिकन भी धुल जाएगा। और हमने इधर चावल भी भिगो के रख दिए हैं, देखिए फ्रेंड्स चावल हमने भिगो दिए हैं, इसको हम 2 घंटा करीब भिगोएंगे चावल। तो चलिए पहले चिकन धो लेते हैं, ये पानी में उबाल आ गया है और अब हम काटने जा रहे हैं प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हमने, और इधर हमने चिकन साफ करके धो लिया है, तो इसमें उबाल आ गया है, हम डालेंगे ये चिकन इसमें, फ्रेंड्स देखिए चिकन उबल गया है, अब इसमें हम इसका पानी पसा देंगे, तेल गरम हो रहा है, और जब तक हम आप लोगों को मसाले बता देते, देखिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी ये काट ली हमने, 3 तेज़पत्ते लिए, 7 छोटी इलायची लिए, 2 दालचीनी लिए हमने, 3 बड़ी इलायची ली हैं, 8 लौंगे ली हैं, और ये 1 चम्मच पीली मिर्च है, और ये हरी मिर्च है, 10 हरी मिर्चें हमने काटी हैं और 2 कर ली इनके, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अभी हमें दही भी काट निकालना है कटोरी में, तो पहले हम प्याज, क्योंकि तेल गर्म हो गया प्याज डाल देते हैं, देखिए प्याज डाल दी है, ये गोल्डन होगी, और उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। फ्रेंड्स हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई, हम इसको थोड़ी सी निकालेंगे, ज़्यादा नहीं, इतनी निकाल लेंगे हम,
और अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। ये देखिए हमने चिकन डाल दिया है, अब इसमें नमक डालेंगे। इसको हम फ्राई करेंगे 10 से 5 मिनट करीब फ्राई करेंगे इसको, ज़्यादा नहीं। तेल में इसको हम फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए हमने आधी कटोरी लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर इसको भूनेंगे, इसका कच्चापन निकालेंगे। अदरक लहसुन की महक आएगी तो थोड़ी देर इसको भून के इसका कच्चापन निकाल देंगे। फिर उसमें हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाले सारे, ये और ये बहुत सिंपल और इजी तरीके की बिरयानी है और बहुत जल्दी बन जाती है। अब इसमें डाल देंगे दही साथ में ही। कोई भी चीज़ फ्रेंड्स हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम हाथ से साफ करके इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने साफ करके डाल दिया है इसमें, और इसको भी हम थोड़ी देर भूजेंगे इन मसालों को। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि दही डाला है, और दही आपको धीमी आंच पे डालना, वरना फुल आंच पे डालेंगे तो दही जो है फट जाएगा, इसलिए जो है धीमी धीमी आंच पे डालना है दही। तो ये देखिए अब इसको हम मसालों को पूरे को भूंज लेंगे, पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं जाएगा, दही में ही चिकन जो है, चिकन तो ऐसे भी भाप में ही गलता है, और खाली हम इसको ऐसे ही दही को चिकन को पकाएंगे दही में ही। फ्रेंड्स ये देखिए रख दिया हमने इसको धीमी धीमी आंच पे, और उसको हम ढक देंगे, अभी ये भाप में गल जाएगा चिकन। हमारी बन गई है, अब हम इसमें डालेंगे बिरयानी का मसाला। तो ये देखिए बिरयानी का मसाला, ये 2 छोटे चम्मच हमने लिया है बिरयानी का मसाला। तो फ्रेंड्स ये बिरयानी का मसाला हम कानपुर से लाते हैं, जब तो मम्मी घर जाते हैं और ख़त्म हो जाता है तो हम वहीं से ले लेते हैं। तो ये मसाला बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है। तो ये 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही साथ हमने पानी भी रख दिया इधर, ये देखिए। और इसमें हम डाल देंगे नमक, ये देखिए बस अखनी बन गई है। प्लेट चली गई तो ढकना था हमको ये ढक्कन, हमने ढक दिया प्लेट। तो मसाला हमने डाल दिया है, और ये मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। हमारी यखनी गैस बंद कर देते हैं, और चावल भी भीग गए फ्रेंड्स, ये देखिए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है चावल भीग गए। बस थोड़ी देर जब तक पानी खौलेगा चावल पूरे भीग जाएंगे, इसलिए आज इसकी कम कर देते हैं। तो फ्रेंड्स पानी खौल गया है, अब हम इसमें डाल देंगे चावल। उबल गए, अब इनको पसा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स चावल पस गए हैं फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे ये यखनी। यखनी थोड़ी डाल दी फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे चावल। ये देखिए हम गैस लगाएंगे, डाल दिए हैं, अब ये ऊपर से थोड़ी सी अपनी जो बची वो भी डाल देंगे। अब ये चावल भी डाल देंगे इसी में।
चावल डाल दिए फ्रेंड, अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज जो तल के रखी थी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर जो हमने केवड़े में कलर भिगोया, ये देखिए केवड़ा है और ये कलर रहा, तो ये हम डालेंगे। और हमने तवा रख दिया है धीमी धीमी आंच पे, अब इसको हम दम पे लगाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए बन गई हमारी बिरयानी और कितनी अच्छी बनी है, ये देखिए चावल देखिए। तो दम पे लगी है अभी भी और जब अभी थोड़ी देर और लगे रहेंगे, कम से कम 5 मिनट। तो जब टेस्ट करेंगे फ्रेंड्स, रायता भी बन गया ये देखिए, पतला नहीं करा है, गाढ़ा गाढ़ा है, ढक के रख देते हैं। ये आपके इधर देखिए, इधर आइए, इधर आइए, वो इतना लंबा घूम के आएंगे क्यों, कहाँ चोट लग गई, आप तो सही चल रहे हो, कहाँ लगी, कुछ तो नहीं है, लगी है। कैसे लग गई, कल बजट कर रहा था गिर दिया, कल गिरे थे ना, तो आज दिखा रहे हो। खाना खा के आए हो क्या, क्या खा के आए हो, चिकनी बोटी आम, चिकनी बोटी आम हमारे लिए नहीं लाए, चिकनी बोटी बूटी मेरे पहले घर चलो, पर आपके घर चले पहले, तो यहीं ले आते, हम काम कर रहे हैं, मेरे घर इधर देख के बताइए। अच्छा सलाम तो कर लो सबसे, इधर देख के खुद ही सलाम करते, खुद ही जवाब देते हैं। और अजान सो रहा है कि जग रहा है, जग रहा है, सो रहा है, अच्छा सोते रहे। तो फ्रेंड्स ये देखिए बन गई बिरयानी, सही बनी भैया, अच्छी है, नमक ठीक है, सही बताओ इधर देख के, ठीक है। ये बात आप खाइए, प्याज नहीं ये खाइए बिरयानी है, अरे गंदी बात, आप तो कह रहे थे हम खाना खाए आए, हाँ ये बात आप तो बोल रहे थे हम खाना खा कर आए हैं, अच्छी है बिरयानी, नहीं अच्छी, खट्टी है, खट्टी खाई होगी या सही बनी है। फ्रेंड्स खाना पीना हो गया है, सबको बिरयानी बहुत अच्छी लगी और बहुत पसंद आई, तो हमने कहा पहले अपना ब्लॉग एंड कर ले। आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी बिरयानी की रेसिपी पसंद आई तो उसको लाइक करेगा, मेरे वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।